शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिजली के बिल से परेशान नहीं होगा। बिजली का बिल देखते ही हर इंसान को जोर का झटका लगता है, लेकिन पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट रीमा लुइस ने ऐसा कुछ किया है कि बिजली कंपनी जो पहले 10,000 रुपए बिल भेजती थी, अब वो बिल महज 100-200 रुपए ही रह गया है। हमारा महीने का बिल लगभग 8-9 कभी कभी 10,000 भी हो जाता है समर मंथ्स में, या कभी उससे भी ज़्यादा होता था, क्योंकि समर के टाइम में एसी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी कभी कभी 300 कभी कभी नहीं भी आता है, शून्य आता है कभी कभी। रीमा ने वो कारनामा कर दिखाया है कि बिजली कंपनी के अधिकारी भी हैरान हैं। रीमा बिजली वितरण कंपनी से बिजली की सप्लाई लेती ही नहीं बल्कि उन्हें देती भी हैं। दरअसल रीमा ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे 5 किलोवाट की बिजली पैदा होती है। सौर ऊर्जा से निर्मित बिजली अगर कम पड़ जाती है तो रीमा MSEB से पारंपरिक बिजली ले लेती हैं, और अगर सरप्लस बिजली होती है तो वो MSEB को दे देती हैं। और यही वजह है कि कभी कभी रीमा के बिजली का बिल ज़ीरो होता है। हमने 5 किलोवाट सोलर पैनल्स लगाए हैं, तो हर किलोवाट में दिन में 4 से 5 यूनिट जनरेट होते हैं, तो दिन में 5 किलोवाट सिस्टम में 20 यूनिट्स जनरेट होते हैं, तो कुल मिलाकर पूरे महीने में 600 यूनिट हो जाते हैं। तो जिसमें जो हम लोग जो रोज़ का दिन में यूज़ करते हैं, हम सोलार से ही यूज़ करते हैं, और रात में सोलार तो नहीं बनती है, जो एक्सेस जो बनता है दिन में वो MSEB लाइन में जाता है, और रात में हम लोग MSEB लाइन से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जो है इसको नेट मीटरिंग करते हैं, तो जो एक्सेस यूज़ प्रोड्यूस होता है वो MSEB लाइन में जाता है, और जो रात में सोलार जब भी नहीं बनता है तो हम MSEB लाइन से यूज़ कर सकते हैं। तो एक MSEB एक बड़ा बैटरी बैंक जैसे है हमारे लिए। रीमा मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली है, लेकिन शादी के बाद रीमा मुंबई में शिफ्ट हो गई, जहां पर वो आस पड़ोस के लोगों का इलाज भी करना शुरू किया, साथ ही वो पर्यावरण के इलाज में भी जुट गई। रीमा को शुरू से ही प्रकृति से गहरा लगाव रहा है, यही कारण है कि रीमा ने अपने घर को ही बाग बगीचा बना दिया। सिर्फ ये इको फ्रेंडली नहीं है, सिर्फ फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं है, बल्कि हम अभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब भी ये इतना सारा पैसा बचा रहा है तो क्यों हम लोग PV पैनल्स क्यों नहीं अपनाएं? तो इसलिए ये इंस्पिरेशन था, और मेरा हमेशा से रहा है कि मैं इको फ्रेंडली जीवन जीऊँ। इसलिए मैंने वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत अपनाया है, तो हमारे घर में देखे तो कोई भी वेस्ट रहता है, जो घर का किचन का वेस्ट, तो मैं उसको कंपोस्ट में बना देती हूँ और वो प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। और जो प्लास्टिक वेस्ट रहता है उसको अलग बना के रख के, तो हर महीने उसको NGOs को बेचती हूँ, जो वो लोग रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक को। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह से हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर बोझ ना बने, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों को एक अच्छा सा माहौल मिले, एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिले, तो यही मेरी इच्छा है। रीमा अपने घर को सौर ऊर्जा से चलाने की ठानी, और आज उनके घर के सभी उपकरण सौर ऊर्जा पर चलते हैं। रीमा की ये पहल बेहद ही सराहनीय है, और इसे अपनाकर रीमा की ना सिर्फ जिंदगी में बदलाव आया है बल्कि रीमा लाखों की बचत भी कर लेती है। तो इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। मुंबई से राहुल देव शर्मा की रिपोर्ट।